खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से, जहां कस्बा नुक्कड़ में सिख फाउंडेशन डे के मौके पर टाबर रोड स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे विधायक क्षेत्रीय मुकेश चौधरी ने वाहेगुरु के दर पर मत्था टेककर गुरुवाणी का पाठ सुना और लंगर आनंद लिया। क्षेत्रीय विधायक ने गुरुद्वारे के निर्माण कार्य के लिए 1,01,000 की धनराशि भी भेंट की और नवनिर्मित गुरुद्वारा हॉल का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाहेगुरु की कृपा से हम किसी गरीब की आंख में आंसू ना आने दें, उसकी हर संभव मदद करें। मुकेश चौधरी ने कहा कि प्रदेश के MLC चुनाव में मोदी योगी की नीति पर जनता ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए भाजपा को भारी बहुमत देने का काम किया है। इस मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान जगजीत सिंह जंगी और भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह बग्गा और राजू प्रधान बलविंदर बग्गा, संदीप सिंह, राकेश वर्मा, सुभाष चौधरी और मनोज गोयल, अरविंद रेहुला आदि लोग मौजूद रहे। जी विधायक जी, आप जो है सिख फाउंडेशन डे के मौके पर आप नकुड़ पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र में? देखिए, आज जो है सिख स्थापना दिवस है और गुरुद्वारे का यहाँ पर इस क्षेत्र में स्थापना की है सब लोगों ने मिलकर, संगत ने, उसका आज उद्घाटन करने हम सब लोग यहाँ आए थे और सत्संग सुनने हम सब लोग यहाँ आए थे, वाहेगुरु जी का आशीर्वाद लेने हम सब लोग यहाँ आए थे। और वाहेगुरु जी से एक ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों को इतनी ताकत दे कि हमारे इस नकुड़ विधानसभा में किसी गरीब की आंखों में आंसू ना रहे, हर गरीब खुशहाल हो और सरकार द्वारा जो योजनाएं मोदी योगी जी ने चलाई वो हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा दें, जिसके लिए योजना बनाएंगे। देखिए, MLC चुनाव में 36 में 33 सीटें विपक्ष का पूरा सूपड़ा साफ कर दिया गया भाजपा द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो योगी और मोदी की नीति है, जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी एक है, उनकी नीयत साफ है, उनकी नीयत अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति की मदद करना है, जिसका कोई सिफारिश नहीं है। पहली सरकारें पहले अन्य दलों में सब लूट और खसोट के लिए आते हैं, मोदी योगी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। निश्चित तौर पर जब देश का प्रधानमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री इतने ईमानदार होंगे, इतने शानदार होंगे, इतने जानदार होंगे, इतनी अच्छी उनकी नीति होगी, इतनी अच्छी उनकी नीयत होगी, तो निश्चित तौर पर विपक्षियों का सफाया होता रहेगा।